नमस्कार, आपका राम श्री कुंडली दर्पण में स्वागत है। धन की समस्या, कर्ज से मुक्ति, व्यापार में सफलता, तंत्र बाधा, रोग से मुक्ति, विदेश यात्रा, संतान का सुख, पितृ दोष, मांगलिक दोष, ग्रह शांति, कुंडली मिलान व वास्तु परामर्श के द्वारा सभी समस्याओं का समाधान पाए, एक भरोसा जिंदगी बदल दे। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, मैं पंडित माधव अनुरागी आपका अपने YouTube चैनल रामश्री कुंडली दर्पण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सुरसुंदरी यक्षिणी साधना। यह साधना बहुत आसान है, बहुत ही सरल है, इसको कोई भी आसानी से संपन्न कर सकता है। दोस्तों, इस यक्षिणी के नाम से ही सिद्ध होता है कि यह बहुत सुंदर है, अद्भुत है। इस साधना के अनेक लाभ हैं। इस साधना के द्वारा आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। वह क्या सोच रहा है, वह आपके पास क्यों आया है, उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या मनोकामना है, यह सब कुछ आप बता सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस साधना की विधि के बारे में। दोस्तों, इस साधना में आपको त्रिकाल जप करना है, सुबह, मध्यकाल और सायकाल। समय एक होना चाहिए, इसमें आपको समय का खास ख्याल रखना है। जिस टाइम, जिस समय आप साधना शुरू करने जा रहे हैं, अगले दिन भी उसी टाइम नियम से साधना करनी चाहिए। दोस्तों, इस साधना के नियम क्या है? जब तक आपकी साधना चले, तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य आपका टूटना नहीं चाहिए, अन्यथा आपको लाभ की बजाय हानि उठानी पड़ेगी। दोस्तों, आपको इस साधना को करने से पहले उस स्थान का आपको चयन करना है जहां पर आप साधना करने वाले हैं। उस स्थान की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है और फिर वहां पर आपको गूगल की धूप लगानी है और आपको वहां पर बैठकर 1000 मंत्रों का एक काल में पाठ करना है। यानी अगर सुबह कर रहे हैं तो सुबह को 1000 और दोपहर के समय कर रहे हैं 12 बजे तब 1000 मंत्र और रात्रि सायकाल के में 1000 मंत्र, इसका आपको जाप करना है। यह साधना 21 दिन की है। जब आपके सामने सुरसुंदर यक्षिणी प्रकट हो जाए तब उससे आप वरदान मांग लीजिए। इससे पहले अगर आपको आवाज आए, आपको आपकी साधना के दौरान कुछ भी अनुभव हो सकता है, तो आप बिल्कुल भी बीच में अपनी साधना को ना तोड़े, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ेगी और इस साधना को कमजोर दिल वाले ना करें। अब बात करते हैं इस साधना के मंत्र की। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार हैं: ओम ह्रीम आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा। मैं एक बार फिर से मंत्रों को रिपीट कर रहा हूं, ओम ह्रीम आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। 21 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है। 1.25 लाख मंत्र का जाप करते ही सुरसुंदरी यक्षिणी आपके सामने प्रकट हो जाएगी और आपसे वरदान मांगने को कहेगी कि हे साधक, वर मांग। तब आपको वरदान मांग लेना है। दोस्तों, आपको वरदान मांगने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखना है और साधना करने से पहले भी एक बात का विशेष ध्यान रखना है। यह आपको साधना करने से पहले बिल्कुल भी यह मानसिकता नहीं रखनी है कि मैं इनको पत्नी के रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में सिद्ध करूंगा। यदि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी साधना बिल्कुल भी सफल नहीं होगी। दोस्तों, साधना के दो नियम होते हैं, दो तरीके होते हैं, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। यह साधना आपको सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप में करनी है। यानी सुरसुंदरी यक्षिणी आपके सामने, आपके आसपास तो होगी, आपको महसूस भी होगा कि कोई शक्ति है मेरे पास, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देगी स्पष्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। इसका मतलब होता है कि वह आपके सामने किसी भी रूप में आ सकती है। तो इसलिए
आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपके मन में बिल्कुल भी लेस मात्र भी भय ना हो। और मेरी मानिए तो आप सुरसुंदर यक्षिणी को माता या बहन के रूप में सिद्ध करें, बिल्कुल भी पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध ना करें, अन्यथा आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। और अगर आप हमारे सानिध्य में रहकर यह साधना करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क करके बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह साधना अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली साधना के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।